मंदिर की साफ सफाई के बाद ग्रामीणों द्वारा हवन पूजन ग्राम सभा हाजीपुर। माँ काली भोलेनाथ व माँ दुर्गा की परगना में बड़े ही धूमधाम से ग्रामीणों द्वारा किया गया। तत्पश्चात वहाँ पूजा पाठ के बाद सभी ने हवन पूजन किया। 22 जनवरी को श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने को लेकर शहर के साथ ग्रामीण अंचलों में भी खुशी का माहौल है। जगह जगह मंदिरों की साफ सफाई के साथ लोग उत्साह पूर्वक पूजा पाठ शुरू कर दिए हैं। ग्राम सभा हाजीपुर में छोटी अयोध्या के नाम से बना कुटिया, यहाँ पर लोग आते हैं माँ काली दुर्गा शिव शंकर जी का पूजा करने। जो लोग माँ काली से अपनी मानते मानते हैं, सच्चे मन से उनका पूर्ण होता है। इस अवसर पर रामदयाल पांडे, रामनवल यादव, हीरालाल राजभर, राम बच्चन यादव, वसीम अहमद, बाबू अली, काशीनाथ यादव, शीतल राजभर, फौजदार यादव, बाबा रामजन दास ने कहा कि छोटी अयोध्या का बहुत बड़ा रहस्य है उसके पीछे। बहुत अच्छी बात है कि उनका मंदिर बन रहा है, हमको बहुत अपार खुशी है इस बात की मंदिर बन रहा है। मैं इसको बचपन से ही मैं उसमें संघर्ष हूँ। मैं जब 24 साल की उम्र थी ना, तब से मैं संघर्ष करता हूँ इसके लिए। कोई जाने या ना जाने, हमको बताने की जरूरत है। मैं मन से तपस्या करता हूँ और हर आंदोलन में रहा हूँ। जब परमहंस उठाए गए अयोध्या से ना, तब भी मैं था वहां बैठा था। तो मैं बताने थोड़े राम राज आएगा, तपस्या की ही देन है कि आज राम मंदिर बन रहा है। मेरे जीवन की इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। मैं बहुत खुश हूँ। उसी के उपलक्ष में ये कीर्तन हमारा चल रहा है और 22 तक चलेगा। जब उनकी पूर्णावती हो जाएगी, हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। योगी मोदी को क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया कहेंगे। वो तो अवतार पुरुष है ना दोनों, वो भगवान का भेजे हुए अवतार है। एक तरफ गोरखनाथ हैं तो एक तरफ बुद्ध जी हैं। दोनों लोग लगे हुए हैं, पूरे देश को बना देंगे ये लोग। मैं तो जनता को यही भी कहूंगा कि आप लोग मोदी जी की बात को सुनें।